नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है APF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SVIMS के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए। वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज की गई हैं इनके लिए वो है 142। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ जारी की गई। साथ ही इसके जो एप्लीकेशन है ये 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और आप इसके लिए 8 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 मई 2023 और इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन से दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो इनके द्वारा जारी किया गया है। इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑफलाइन है, तो आपको इस गिवन एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। यहाँ पे एड्रेस गिवन है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी की अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको उस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी और इस तरह से यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से गिवन है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है और उनका डिपार्टमेंट के हिसाब से भी गिवन है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसी के साथ इस तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन और पे स्केल गिवन है, तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो है 1,39,600 से 2,11,300 और इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन हो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन MD, MS और DNB होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में रेगुलेशन के हिसाब से। और पे स्केल गिवन है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 साल का पोस्ट PG एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे मैट्रिक्स है 1,31,400 से 2,04,700 और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MS, MD और DNB में कंसर्न सब्जेक्ट में रेगुलेशन के हिसाब से। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से क्वालिफिकेशन और पे स्केल गिवन है पोस्ट का, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 56 ईयर्स और यहाँ पे स्केल की भी गिवन है पोस्ट के हिसाब से। उनकी क्वालिफिकेशन भी गिवन है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MD, MS और DNB में कंसर्न सब्जेक्ट में। और पे स्केल आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के साथ भेजनी है उसकी भी लिस्ट यहाँ गिवन है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 500 रुपये और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स गिवन है जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस भेजनी है और एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। तो आप इस तरह से इस नोटिस को देख सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है इसके लिए अप्लाई करें। और अप्लाई करने से पहले नोटिस को ज़रूर गो थ्रू करें ताकि आप पे सारी जानकारी होगी और आपके लिए अप्लाई करना भी ईजी होगा। ये नोटिस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके इस नोटिस को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन, तो जो भी लेटेस्ट इवेंट्स है आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा मेरे प्लेटफॉर्म पे इवेंट्स को सर्च करना। साथ ही यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का पॉपअप भी आएगा जिस पे क्लिक करके आप ऐप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।